नमस्कार, वी हैव स्टार्टेड नाइन्थ क्लास चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने सोशलिज्म के बारे में डिटेल से बात की थी और हमने ये डिसाइड किया था कि अलग अलग जो सोशलिस्ट हैं उनके व्यूज़ को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि सोशलिज्म, हालांकि सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो समाज में रिच और पुअर के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है उसको ख़त्म करना, एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करना जिसमें रिच और पुअर की क्लास ना हो, लेकिन सोशलिज्म को लेकर के भी सोशलिस्ट के बहुत सारे व्यूज थे। सोशलिस्ट उन आदमियों को कहा जाता है जो सोशलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। सोशल कंट्री वो होता है सोशलिज्म को जो लोग मानते हैं पूरी की पूरी कंट्री में उसी व्यवस्था को जो सोशलिज्म कहता है लागू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ फिलॉसफर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सोशलिज्म को लेकर के बहुत सारा काम किया, सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने का काम किया और उन्होंने सोशलिज्म की एक अलग ही विचारधारा बनाई। देखेंगे हम लोग कि जो सोशलिस्ट थे देवर हैविंग द डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, हालांकि इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम था। ये सभी के सभी कैपिटलिज्म को अपोज करते थे कि समाज में इकोनॉमिक रिसोर्सिस पर जो कंट्रोल हो वो बराबर का होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, अमीर और गरीब में बहुत भारी भेद नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक थ्योरी इन लोगों ने दिया कि किस तरह से इकोनॉमिक व्यवस्था बनाई जाए जो सभी को रिसोर्सिस का फायदा मिले, सबको प्रॉफिट में शेयर मिले और सभी इक्वालिटी के बेस पर समाज में रह सके। तो यहाँ पर हम लोग एक आइडिया की बात करते हैं जो सोशलिज्म का ही एक बाइफर्केशन था जिसको कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग कोऑपरेटिव के बारे में बात करेंगे। जो दो लोग थे रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक, इन लोगों ने कोऑपरेटिव के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को स्प्रेड करने का प्रयास किया। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव क्या होता है। देखिए, ये एक एसोसिएशन होता है, ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो इकट्ठा काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, जो कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट मिलता है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, तो उसको हम सोसाइटी को, उस यूनियन को हम कोऑपरेटिव कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ लें जरा। जब कोई इंडस्ट्री डेवलप की जाती है, उस इंडस्ट्री में जहां से रॉ मटेरियल आता है या जो व्यक्ति वहां पर रॉ मटेरियल उन्हें प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्री को, उन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाले का शेयर होता है उस इंडस्ट्री में। यहां पर हम इंडिया से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने वीटा का सुना होगा, अमूल मिल्क के बारे में सुना होगा, यहां तक कि जितने भी हमारी शुगर मिल्स हैं वो सभी मैक्सिमम कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आती हैं। यानी कि जो शुगर मिल है वहां पर जो किसान गन्ना प्रोवाइड करा रहे हैं उनका उस इंडस्ट्री में शेयर होता है। ठीक इसी तरह से वीटा और अमूल कोऑपरेटिव में जो किसान मिल्क प्रोवाइड कराता है उनका उसमें शेयर होता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव एक सिस्टम है जिसमें द पीपल वर्क टुगेदर, दे मेक द प्रोडक्शन टुगेदर बाय डूइंग कलेक्टिव एफर्ट एंड व्हेन द प्रॉफिट टेक प्लेस दैट प्रॉफिट इज इक्वली शेयर्ड। इसी फिलॉसफी को लेकर के सोशलिज्म की ही फिलॉसफी है ये। रॉबर्ट ओवन एक व्यक्ति थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इंग्लैंड में उन्होंने बहुत सारा काम किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम किया, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और अपनी इंडस्ट्री में सोशलिज्म का, कोऑपरेटिव का एक एग्जाम्पल सेट किया अपने वर्कर्स के लिए। उन्होंने इतना कार्य किया, उनको बेस्ट सैलरी दिया, लेस वर्किंग आवर दिया, चाइल्ड लेबर को भी उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। इस तरह से हम कह सकते हैं जो उनकी खुद की इंडस्ट्री थी, सबसे पहले उस इंडस्ट्री को उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया, वहां पर उन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद वो यूएसए ट्रेवल करने के लिए आए थे और यूएसए में भी न्यू हार्मोनी, आप देखेंगे नाम मैंने लिखा हुआ है, इंडियाना यूएसए में, वहां पर इन्होंने कोऑपरेटिव सेटअप किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और इंडस्ट्रीज में वर्कर्स के साथ प्रॉफिट को शेयर किया। लेकिन यहां पर इन लोगों, रॉबर्ट ओवन को बहुत सारे सोशलिस्ट ने अपोज किया, क्योंकि रॉबर्ट ओवन का मानना था कि एक इंडिविजुअल भी अगर चाहे तो वो
सोशलिज्म को, कोऑपरेटिव को लागू करवा सकता है। जबकि जो दूसरे सोशलिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना गवर्नमेंट के सुपरविजन के इंडिविजुअल कोऑपरेटिव को हैंडल नहीं कर सकते। इसी बात को एक और सोशलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, इनका भी कोऑपरेटिव को लेकर के आइडिया था। ये भी कोऑपरेटिव की फेवर करते थे, मानते थे कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो होना चाहिए, इंडस्ट्रीज को कोऑपरेटिव द्वारा हेल्ड किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर रॉबर्ट ओवन से इनके व्यूज लिटिल बिट डिफरेंट थे। ये कहते थे कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना चाहिए कोऑपरेटिव को, और गवर्नमेंट ये एंश्योर करे कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये आइडिया था कि गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव में इनिशिएटिव तो लेना ही था, वो ये भी चाहते थे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाएं जो अपोज करे कैपिटलिज्म को, क्योंकि कैपिटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे बहुत सारे मजदूरों का, किसानों का, लोअर लेवल के जो लोग थे उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा था। तो कोऑपरेटिव सोशलिज्म का एक पार्ट है। हालांकि जो रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने एक उटोपियन सोशलिज्म की कल्पना की। उटोपियन एक शब्द होता है, देखिए उटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा आदर्श समाज जिसमें सभी लोग वैल्यूज की कदर करते हों, सभी लोग मिलकर के काम करते हों, शांति से रहते हों, किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, इसको उटोपियन सोसाइटी कहा जाता है। जिसकी कल्पना आज की तारीख में थोड़ा सा असंभव लगता है, लेकिन फिर भी रॉबर्ट ओवन ने कई वर्षों तक लगातार काम किया और कैपिटलिस्ट के द्वारा उन्हें यूएसए से निकाल भी दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। दोबारा से वो लोग इंग्लैंड में गए और फिर से उन्होंने उसी पर काम करना शुरू किया, सोशलिज्म को स्प्रेड करना शुरू किया। इसके बाद जो हम लोग करने जा रहे हैं ये उसमें कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच एंगल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए कार्ल मार्क्स को सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का जनक माना जाता है। हालांकि इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, रॉबर्ट ओवन का, लुइस ब्लैंक का, ये कुछ लोग हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नाइन्थ क्लास के सिलेबस के हिसाब से हम यहां पर चार लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया। यहां पर हमने रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक के जो कोऑपरेटिव के विषय में व्यूज थे, कोऑपरेटिव जो एक सब पार्ट माना जा सकता है सोशलिज्म का, एक और एग्जांपल से मैं आपको कोऑपरेटिव को समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि मैं एक इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता हूं, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है और मेरे पास 50 ही रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 50 लोगों को साझीदार बना लूंगा जो मुझे 1-1 रुपया देंगे। 50 आदमी, वो एक में मेरा 50 रुपया लग रहा है, 1-1 रुपया उनका लग रहा है, तो 100 रुपये मेरे पास आ गए और मैंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया। जैसे जैसे मेरी इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो उनका शेयर है, 1-1 रुपया जो उनका है, मान लेते हैं कि मेरी इंडस्ट्री थोड़े समय के बाद 200 रुपीज की, 200 रुपए की हो जाती है, तो उसमें से 100 रुपया मेरा और जो मैंने 50 रुपया लगाया था वो बढ़ करके 100 रुपया हो गया, और जिन लोगों ने 1-1 रुपया लगाया था उनके बढ़ करके 2-2 रुपए हो गए, यानी कि उनके शेयर में भी इक्वली इंक्रीज होता चला जाएगा। आप लोगों ने जो शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा वो कुछ इसी तरह से काम करती है। तो ये कोऑपरेटिव होता है कि जो लोग, यहां पर कोऑपरेटिव का मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जब कोई रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करता है उसका शेयर हो अगर उस इंडस्ट्री में, तो उस यूनियन को कोऑपरेटिव कहा जाता है, जिसके बारे में रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक ने बहुत सारा काम किया इंग्लैंड में, यूएसए में और फ्रांस में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स की और फ्राइडरिच एंजल्स की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।